क्या कहा जाए अपने बनारस के बारे में यारों। इसकी हर कण कण में जो संगीत बसता है ना, उसका तो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और खूबसूरत नजारा तो तब दिखता है जब प्रातःकाल सूर्य की किरणें गंगा की लहरों से होते हुए हमारे घाट, तो वास्तव में लगता है कि स्वर्ग काशी में ही है। काशी के जितने भी घाट सब इतने मनोरम, इतने भव्य और इतनी शालीनता से अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि मन गदगद हो जाता है। खास करके दो ऐसे घाट जिनके बारे में तो कहना अतिशयोक्ति ही होगी, जिसमें से मुख्य रूप से मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट। ये दो ऐसे घाट हैं जहां वास्तव में जिंदगी की असली सच्चाई मनुष्य को दिखाई देती है। और एक ऐसा सच कि मृत्यु तो एक वास्तविक सत्य है, यह स्वीकार करने का मन वास्तव पे उन्हीं घाटों पे करता है जहां पहुंचने के बाद लगता है जैसे सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ तो माया और मोह में बंधा हुआ है। हे मन, क्यों उनके पीछे भागना जो कभी तुम्हारा साथ था ही नहीं। कहते हैं कि नजर के एक कच्चे तार से जोड़ा गया रिश्ता, वह रिश्ता निभाने को कहां तक जाएगा कोई। इधर रत्ना उधर तुलसी, उमड़ता बीच में दरिया, मोहब्बत आसमाने को कहां तक जाएगा कोई। न जाने कह रहा सिंदूर ये किस मांग पर बैठे, न जाने कह रहा सिंदूर ये किस मांग पर बैठे, फकत मेहंदी रचाने को कहां तक जाएगा कोई। ये पंक्तियां आपको उस वास्तविकता के दर्शन कराती हैं जिनके पीछे इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो ये दो घाट कहीं न कहीं हमारे जीवन की सच्चाई है। इसके अलावा तमाम ऐसे घाट हैं जो कहीं न कहीं अपनी सुंदरता, अपनी कपड़े ख्याति, अपना इतिहास, अपना महत्व हमें जरूर दर्शाते। दशाश्वमेध घाट की आरती इतनी मनमोहक है कि पर बस न चाहते हुए भी कदम उन घाटों की तरफ मुड़ ही जाते हैं। और वो खूबसूरत नजारा इतना मनमोहक होता है कि आंखें कह उठती हैं कि स्वर्णिम नजारे को बार बार देखो, बार बार इस काशी में आओ, बार बार इस